हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नवरात्रि स्पेशल आलू टिक्की और व्रत वाली चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इन्हें हम ग्रेट कर लेंगे। इसमें हम 1 इंच अदरक चॉप की हुई डाल देंगे, 1 ही हरी मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच हम इसमें रोस्टेड पीनट पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और 2 चम्मच व्रत वाला आटा जो आप यूज़ करते हैं आप इसमें वो डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसका डो रेडी कर लेंगे। ये हमने इसका डो रेडी कर लिया है, अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। हाथ को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप व्रत में जो भी ऑयल या घी यूज़ करते हैं आप वही लीजिए। अब इसे हम टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हम सारी रेडी कर लेंगे। ये हमने सारी टिक्की रेडी कर ली है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसे हम ऑयल में जो हम व्रत में खाते हैं मैं इसमें वही डाल रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं उसी में फ्राई कीजिए। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बाकी टिक्की भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये टिक्की रेडी हो गई है, इसे हम व्रत वाली चटनी के साथ सर्व कर देंगे। इसी टिक्की की हम चाट रेडी करेंगे, इसके ऊपर हम स्वीट कर्ड डाल देंगे, इसके ऊपर हम इमली की और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर देंगे। अगर आप चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर हम धनिया पुदीने की चटनी डाल देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे। इसमें से कोई भी चीज अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से इसके ऊपर अनार के दाने डाल देंगे। ये हमारी व्रत वाली आलू टिक्की चाट एकदम चटपटी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे नए डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।